अंतर्मुखानी आत्मकेन्द्राणी खानी इंद्रियाणी यस्मिन् तत् सुखम् जीवना मनः इन्द्रियो विषयोपाधि परान्मुक्तये आत्मानुमुक्ताय ईश्वर तरफ वरे ते सुख इंद्रियो प्रवास सामान्य रीते बहिर्मुख होय छे अने तेथी ते सर्व सुखनिदान आत्माने जोई शकती नथी पर एनु प्रवाह एटले तदनुगमन करती चित्तनी वृत्तियों चित्त तरफ चैतन्य सागर प्रभु तरफ वाली एना लीन थाय के जीवात्मा चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप बनी जाए थे चित्तमाथी तकार एटले विषयाभ्यास निकली जाए अने विषय ने बदले ए सर्व विषय नु अधिष्ठान विश्वनाथ नु चिंतन करवा लागे के तद्रूप थी जाए अनाद्यन आनंद विभाजन में भरी जता दुख एने शोधी नहीं जड़त नहीं। अध्याय 118 गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम श्री गुरु बोले सांभड़ो थोड़ा वर्ष ऊपर एक सो ही रोबा करी सारस्वत द्विजवर करे राज मानो करी वसूलातनी एह पूर्व जन्म संस्कार थी हतो सत्व गुणी तेह अनेक गुण महता प्रक संस्कारे हति लोक नी चाहना ठीक एह पर तेम एक वक्त वसूलातनु करी काम संपूर्ण भरू भरवा राजमा जेड़ाओ ने तूण आपी चिट्ठी मोकले एह द्रव्य संगात जता मार्ग मा एमने मला चोरे कुजात अकस्मात हल्लो करी द्रव्य कपट थी एह हरि सर्व ए भामटा नाठा दैने छे रही चिट्ठी ते लई तदा भेड़ बिचारा ते आवी कचेरी मा करे देकार कोन ना एम वाची कागड़ कार कुन वदे द्रव्य छे क्याय लावो जमे करू अही बोले अंत्यज त्याय द्रव्य विगत ना जानी आप्यो कागड़ एह आप्यो जेते एज छे लो संभाली ते द्रव्य भव्य मां बाप ना आप्यु अमने आह्य सत्य कोई ना मान से एम मानी ने त्याय ठोकी दीधो जूठड़ो महार लोके एम सुनी कार कुन कार भारी नी पासे तेम श्री दत्त सुख कारक दत्त श्री दत्त मुददायक दत्त जय निवेदन सर्व ए करे वृतांत त्याय वदे कार भारी अरे लाओ एने आह्य दूत मोकली तक्षणे सोही रोबा पास पकड़ी आनी एहने कचेरी मात्या खास कार भारी पूछे तदा क्या छे पैसा एह सौ प्रकार छे बोल आ साचु सत्वर्ते वदे सो हीरो बात दा राज द्रव्य में सर्व ढेड़ा
કયું પછી શું એહનું જાણું કાઈ ન તે કારભારી મનમાં કહે નહીં માને એ એમ એમ વિચારી તત્ક્ષણે કોટવાળ ને ત્યાં બોલાવીને એહને સોંપે તત્કર માય કોટવાળ નિજ દૂત ને કરી સ્વાધીન તેમ કહે એહને કેદમાં નાખો સત્વર એમ અંધારી કોટડી મહી નાખી દેખો ત્યાં જો માને તો ઠીક છે નહીં તો છોકો વાય સુણી રાજદૂતો તથા ડરાવતા જ્યાં તેમ લઈ જાય એને તિહા સોહી રોબા એમ સ્વગત વિચારે કેરે નીચ જનો ને હાર સહેવા કરતા જુલમ મોત ભલો સાક્ષાત માટે વેચીને ભરું રાજદ્રવ્ય ગરબાર એ જ માર્ગ ઉત્તમ અહીં કારણ હોત વિચાર અધિકારીઓ ને યની લેત ન શંકા એમ ખોટી મુજ પર નિશ્ચય હશે દેવ ને જેમ શ્રી દત્ત સુરનાયક દત્ત શ્રી દત્ત શ્રુતિનાયક દત્ત ગમ્યું તેમ ખરું અહીં લખ્યું લલાટે જે હો બને જાય તેવું નકી ચિંતા નિરર્થ એ હવે તેમ કરી ભરી રાજદ્રવ્ય એ તેમ છોડી નોકરી ઈશનું કરો ભજન સપ્રેમ એમ વિચારી તે સમે વદે દૂત ને ત્યાંય કેમ ત્રાસ આપો મને વૃથા ગોંધીને આહ્ય હું જ ચોર જો એહવું લાગે તમને એમ છોડો મુજને દ્રવ્ય આપ સમગ્ર તેમ સુણી વચન એના તદા કારભારીની પાસ લઈ દૂત એ એહને જાય તત્ક્ષણે ખાસ વાત સર્વ ત્યાં સાંભળી અધિકારીએ તેમ કરાર નામું લે લખાવી તત્કર થી એમ અમુક દિવસ માં દ્રવ્ય એ સર્વ કચેરી માહ્ય ભરી જઈશ હું નિશ્ચય આપું જામીન ત્યાય જાણ્યું એ મિત્રાદિએ એના જ્યારે તેમ વદે એહ કાવ્યર્થ આ વેચી ગૃહાદી એમ ભરે દ્રવ્ય તું રાજનું જૂઠ આરોપ માટ કહીએ યુક્તિ જાજઈ મળ નૃપ ને સાક્ષાત સત્ય વાત કહેતા તહી ચડશે સંકટ જાણ ના મૂરખ અધિકારી સમ ભૂપ નિશ્ચય માન રાજ મિત્ર નો પાત ત્યાં ભલા મણાર્થે તેમ લાવી દઈએ જે થકી થાશે દર્શન એમ શ્રી દત્ત ગુણ સાગર દત્ત શ્રી દત્ત નટનાગર દત્ત મિત્ર સોહી રોબાતણા એમ કહીને ત્યાંય લેવા ચિઠ્ઠી ભૂપ પર તત્સ્નેહી ઘર જાય લાવી કાગળ એહને આપે તત્ક્ષણ તેમ લઈ સોહી રોબાતદા મળવાન રૂપને એમ
करे विचारती हाँ थयू स्मरण शास्त्र नु खास खाली हस्ते ना जऊ कदी भूपनी पास कापता ताप मा लाग्यो अतिशे था छाया मा बेसी कई लव विश्रांति द्राक एम विचारी वृक्षनी छाया मा हे त्याय झरना पासे बेसी ने ले विश्रांति जाय करे एह एकांत मा स्वप्रारब्ध विचार थई अनुतप्त अंतरे पाड़े आंसू चार क्या तो चिंती तिहा मूर्ति दिगंबर एक थई प्रगट एने तदा बोले बच्चा देख भूख बहु लागी मने खावानू कई पास होय ताहरी तो मने आप वेगती खास वचन एह ए साधुना सोनी तक्षण तैं सोही रुबाए पड़ो जेहंद्र पार्थे एम आण्या ताते एहनी मुक्या सादर पास खाईये संतुष्ट थई वदे योगी वर प्यास लागी छे बच्चा मने आप उदक पानार्थ सोही रोबा तक्षणे वस्त्र पूत यथार्थ श्री दत्त गति दायक दत्त श्री दत्त अत सायक दत्त शीतलवारी आणिने मुके एनी पास पी दिगंबर अंतरे थई संतुष्ट खास वदे प्रेम थी बाल है आवी उपाधि माह्य रेवा इच्छे क्या सुधि एम तही ने त्याय मस्तक सोहिरो बातनु जाली हाथ थी तेम नाड़ियेर समजोर थी खूब हलावी एम थया आदर्श तत्सने सोही रोबा त्याय लीन थई स्वस्वरूप मा समाधिस्थ ए थाय देह बान रह्यू नहीं लागी तंद्रा तेम तृतीय दिन समाधि जा उतरी जा रे एम जुए पास तो मूर्ति दिसे न नजरे क्याय व्याकुल थई मन मा कहे सोही रोबा हाय दया सिंधु गुरुनाथ है गेबी नाथ दयाल छोड़ी मुझने आम क्या थया गुप्त निर्धार पूर्व जन्म ना माहरा जे सतगुरु यति राय डूबाड़ी मुझने अही आनंदार्णव माह्य गया त्यजी का एक लो क्यारे मड़शो नाथ एम कही गदगद स्वरे करे रुदन वर जात छोड़ी नौकरी तक्षणे थया विरक्त एह महान साधु सोही रुबा सुप्रसिद्ध तेह अपंगा दिजे एम ना वाचे आजे लोक स्वानुभवा मृत थी भर्या श्रवणे रहे न शोक परम मंगलम्
जीवन मुक्ति विवेक नु प्रमाण यथार्थ त्याय ईश प्राप्ति अर्थे कर्या श्रम ते व्यर्थ न क्याय नाना यत्न करे जनो द्रव्य प्राप्ति अर्थ जैम ईश प्राप्ति अर्थे यदि कर तरे न केम कर्या यत्न द्रव्यार्थ जे जाय कदापि व्यर्थ आवे उल्टू दैन्य ने खुए मूड नू गर्थ ईश प्राप्ति न यत्तमा थाय न हानि तैम माटे स्त्री पुरुषे सदा कर्व प्रयत्न एम सुनी वचन श्री गुरुतणा दया सर्व संतुष्ट लीला मा एवी करे काल क्रमण गुरु रुष्ट सात वर्ष पूरा थता एवी लीला माया श्रीमत दत्त वदे तदा वासुदेव ने त्याय यात्रार्थे निकली हवे विचरो सगड़े एम आवे शरणे तेमने करी सद्बोध तेम सन्मार्गे सहुने चढ़ावे बंधन थी आय करो मुक्त जे थी रहे अहम भावना क्याय रूप अद्वैत माहरू थसे तदनुभव तेम जीवन मुक्त थई सुखे विदेह मुक्ति एम थशे प्राप्त अंते नकी बाह्य प्रपंच आम क्या क्या विण नर ना कदी थाय पूर्ण निष्काम माटे प्रपंच छोड़ीने करी यात्रा निमित्त विचरो सगड़े देश मा अनिकेत यत चित्त पूजन नई विद्या दिनी मंदिर नी आते करी व्यवस्था कोई ने सौंपी सघड़ू एम गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम लय मूर्ति मम साथ आ नृसिंह वाड़ी मातर्त जाओ आज्ञा एहवी करे त्याय श्री दत्त वंदन करी श्री दत्त ने वासुदेव तत्काल अवश्य कही निज चित्त मा करे एम विचार देवतनी पूजा दी आ जोई भक्त को एम सौंपू एने निश्चय क्या तो भाविक तेम वासी सावंत वाणिना त्रुहस्त एक सुजान अटक उकीड विजेमनी नारायण अभिधान बोले कर जोड़ी प्रभु कदी आज लग आईया कार्य कोई ने ना कहूं आपे सोमुखे क्याय माटे आ समय अही द्रव्य संबंधी वात करता कोई ने तथा दुर्जन जेह कुजात कर से निंदा निश्चय मड़ता संधि एम थई रहसे ए सहू आप कृपा थी तेम वचन उकीड़ ना सुनी बोले श्री गुरु राय देव अने पोते तमे संभालो सहु आह्य करी व्यवस्था एम त्या तीर्थ यात्रार्थ जान लेवा आज्ञा मातणी आव्या ए संधान आगण रसमय शेष है पद अलक मुनि एम सुनता श्रद्धा भक्ति थी करे रंग न केम श्री दत्त पादारविंद मिलिंद ब्रह्मचारी पांडुरंग रंग अवधूत महाराज
विरचिते श्री गुरुलीलामृते अलख निरंजन संवादे सोहि रोबावृत्त कथनम नाम अष्टादशाधिक शततमोऽध्यायः समाप्तः। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। અહીં બધા સુખી થાઓ, બધા નિરોગી બનો, બધા જ એકબીજાનું કલ્યાણ જુઓ, કોઈ પણ દુઃખ ન મેળવે। ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ।